माननीय 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करें, आपको 7 मिनट। पहली बार बोल रहे हैं सभापति महोदय, वैसे 5 मिनट है। बोला अपना समय बर्बाद ना करें। पवित्र मंदिर में 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में हुए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे सदन के कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर बाड़मेर की इस बेटी को बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सभापति महोदय का धन्यवाद देती हूँ। इस सदन में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को मैं अभिवादन करती हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रथम बार सदन में अपना वक्तव्य रख रही हूँ तो मैं सभापति महोदय का संरक्षण चाहूँगी और जितने मेरे वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं आपका मार्गदर्शन चाहूँगी और जो मेरे साथी माननीय सदस्यगण हैं आप सबका सहयोग भी मैं अपेक्षा करती हूँ। मैं आज सदन में हमारे प्रतिपक्ष के नेता बैठे हैं, मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सरकार में विराजे सभी मंत्रियों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत परम श्रद्धेय आदरणीय अटल जी की कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी क्योंकि ये पंक्तियां हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पद पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ। मैं 1957 की बात करती हूँ जब मालानी के आदरणीय स्वर्गीय रामदान जी चौधरी 1957 में पहली बार जनता का आशीर्वाद पाकर इस सदन में आए और उन्होंने मृत्यु भोज निषेध जैसे कानून को यहाँ लागू करवाने का कार्य किया। उसके बाद मेरे दादाजी आदरणीय स्वर्गीय गंगाराम जी चौधरी 1962 से लगातार जनता ने उनको 8 बार विधायक बनाकर आशीर्वाद दिया और उन्होंने लगातार इस सदन में आकर जनता की सेवा का कार्य किया। पिछले 20 सालों से मैं सक्रिय राजनीति में रही और विभिन्न परिस्थिति और चुनौती का सामना करते हुए मैं आज इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे बाड़मेर की देवतुल्य जनता को, 36 कौम की जनता को, मेरी बहनों को और ख़ास तौर से नन्हे मुन्नों बच्चों को, क्योंकि मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ी और मेरे स्टार प्रचारक मेरी वो बहनें, मेरे वो युवा भाई और वो नन्हे मुन्ने बच्चे ही थे, तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं ये संकल्प इस सदन के माध्यम से लेती हूँ कि मैं अपने परदादा जी और दादाजी के पद चिन्हों पर और सिद्धांतों पर चलते हुए जनता की सेवा का कार्य करूंगी, ये आज संकल्प लेती हूँ। मैं बाड़मेर की जनता के इस ऐतिहासिक निर्णय का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने लोकतंत्र की परिपक्वता का संदेश दिया। बाड़मेर विधानसभा में जो 15 साल की आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, लेकिन बाड़मेर की जनता वाकई असली मायने में आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रही है क्योंकि उन्होंने 15 साल की गुलामी, 15 साल का भय, 15 साल का आतंक और 15 साल के भ्रष्टाचार की बेड़ियों से मुक्ति पाई है। तो मैं बाड़मेर की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सभापति महोदय, बहुत सारे विषय मेरे जहन में आते हैं लेकिन चूँकि सीमित समय है और मैं मानती हूँ कि मेरी इन कुछ बातों से यहाँ के सभी माननीय जो सदस्यगण हैं वो सभी सहमत होंगे। ये हमें गर्व है कि आज पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांतों को, उनके दर्शन को लेकर अंत्योदय की योजना के साथ अमृत महोत्सव मनाते हुए 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना करके केंद्र और राजस्थान सरकार की योजनाएं बना रही हैं। इस सदन में आई तब से राम मंदिर की बात सुन रही है और मैं मानती हूँ कि हर भारतीय चाहे भारत में हो चाहे विदेशों में हो, आज वो गर्व और खुशी की अनुभूति महसूस कर रहा है कि राम मंदिर का निर्माण 500 सालों के त्याग और तपस्या के बाद बना है। सभी को गर्व है कि हमारे हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पर आ गई, जिसे आने वाले समय में 3रे नंबर पर लाने का प्रयास है। 370 धारा, 3 तलाक, चंद्रयान, ऐसे अनेकों अनेक विषय है जिस पर मैं मानती हूँ, मेरा विश्वास है कि हर एक भारतीय को गर्व है और होना भी चाहिए। लेकिन इस सदन में हमने जब सुना मौर्य की बात हुई कि मौर्य बोल गया
मौर्या पता नहीं कहाँ बोला और कहाँ नहीं बोला, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमारे बाड़मेर की जनता को जब मैं देखती हूँ वो तो निश्चित रूप से मुझे इस मोर की याद आती है। मैं जब मेरे बाड़मेर की, अरे अभी तो शुरू किया बोलना, समय इतना ही है अभी तो। सदन के नियमों के अनुसार अनुपातिक रूप से समय बटा हुआ है, आपको 7 मिनट दिए। मेरे बाड़मेर के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत विषम भौगोलिक परिस्थिति है, बहुत जटिल सामाजिक संरचना है, बहुत संघर्षों और संतों की भूमि है। जो निर्धारित समय है उसी एक समय में जो काला पानी की सजा, जहां अधिकारियों को भी धमकाया जाता था कि काला पानी की सजा दे देंगे, बाड़मेर भेज देंगे, आज उस बाड़मेर को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आज बाड़मेर ने विश्व के मानचित्र पर अगर अपनी स्थान बनाई है तो उसके पीछे रिफाइनरी और यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है उसके कारण है। ये इस रिफाइनरी की बात मैं करूँगी तो रिफाइनरी के साथ मेरे बाड़मेर के युवाओं के सपने जुड़े हुए थे, लेकिन ये रिफाइनरी एक सरकार आई दूसरी गई पहली आई और ये युवाओं के सपने उन सरकारों के साथ ही कहीं मिट्टी में मिल गए। मैं सभापति महोदय के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि मेरे युवाओं को वहाँ रोज़गार मिले, क्योंकि पहले पूर्व में किसी एक मेरे माननीय सदस्य ने कहा था कि अपराध को कोई नहीं रोक सकता, अपराध रोका जा सकता है अगर मेरे युवा भाइयों को उचित शिक्षा दी जाए, उचित रोजगार दिया जाए तो निश्चित रूप से अपराध में कमी आ सकती है। मेरे वहाँ बाड़मेर जिले में बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही है, वहाँ युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार दिया जाए, हमें पानी दिया जाए, हमें अच्छे डॉक्टर दिए जाए, हमारी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और जब मोदी जी कहते हैं कि 21वीं सदी का भारत वुमन लेड डेवलपमेंट होगा, तो मेरे बाड़मेर विधानसभा में शहर के अंदर सिर्फ 2 गर्ल्स स्कूल है, सीनियर स्कूल्स में दुख होता है कहते हुए कि सिर्फ एक में साइंस फैकल्टी है, तो वो बेटियां कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे तरक्की करेगी। मेरे बाड़मेर शहर की स्थिति देखो, विडंबना देखिए सभापति महोदय। सभापति महोदय।